होली पर्व पर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने राजधानी एक्सप्रेस बस सेवा का शुभारंभ किया था। बागपत को भी दो राजधानी एक्सप्रेस समेत 6 बसें मिली हैं, जिन्हें हरी झंडी दिखाकर राज्य मंत्री केपी मलिक द्वारा रवाना किया गया। दरअसल आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा राजधानी एक्सप्रेस बस सेवा का शुभारंभ करते हुए होली पर्व पर यात्रियों को शानदार तोहफा दिया गया था। इन बसों में बागपत जनपद को भी 2 बसें दी गई थी। शुक्रवार को रोडवेज डिपो बड़ौत में आयोजित कार्यक्रम के दौरान वन पर्यावरण जंतु उद्यान एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री किशन पाल मलिक ने हरी झंडी दिखाकर दोनों बसों को रवाना किया। इस दौरान उन्होंने जनपद वासियों को इस सौगात के लिए शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि बागपत में भी भव्य रोडवेज बस स्टैंड के लिए NOC मिल चुकी है। इसके अलावा बड़ौत के बावली चुंगी पर स्थित रोडवेज बस स्टैंड का निर्माण भी जल्द शुरू कर दिया जाएगा। उनका कहना था कि बागपत को AC बसें दिलाने का भी प्रयास किया जा रहा है। इन नई बसों के संचालन से सभी वर्ग के लोगों को काफी लाभ मिलेगा, खासकर उन यात्रियों को जो महंगे कोच की गाड़ियों में सफर नहीं कर सकते। सबसे पहले तो मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी का, आदरणीय अपने परिवहन मंत्री जी का और समस्त विभाग के अधिकारियों का आभार व्यक्त करना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं पूरे जनपद की ओर से कि उन्होंने एक बहुत अच्छी शुरुआत की और एक राजधानी के रूप में एक नॉन स्टॉप वाली एक हमें बस दी। उससे आम जन को एक बड़ा लाभ होने वाला है, आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को एक बहुत बड़ा लाभ होने वाला है, क्योंकि सभी AC बस में नहीं जा सकते, सभी ट्रेन में के AC कोच में नहीं बैठ के जा सकते। ऐसे वक्त में और ऐसे समय में इस बस का एक बहुत बड़ा लाभ आम जन को और पूरे जनपद को मिलने वाला है। बस ये बड़ौत से चल के बागपत, बागपत से मेरठ और मेरठ से केवल एक स्टॉपेज है, फिर नॉन स्टॉप बरेली, फिर नॉन स्टॉप लखनऊ। और क्या कुछ नई सौगात देना चाहेंगे मंत्री? नई सौगात तो यह है कि आने वाले दिनों में एक बागपत बस स्टैंड की NOC हो चुकी, वहाँ बहुत सुंदर बस स्टैंड बनने को जा रहा है। जो अपना सब बस स्टैंड है बावली चुंगी पर, उसका अच्छा निर्माण होने को जा रहा है। और इसके अलावा आज हम सब लोग अध्यक्ष जी और पार्टी के पदाधिकारी, सभी जिम्मेदार जनपद के लोग यहाँ थे, सभी रोडवेज के पदाधिकारियों ने, कर्मचारियों ने एक अच्छा आश्वासन और अच्छा विश्वास दिलाया कि इन बसों के साथ जिस तरह से एक नई बस की शुरुआत हुई, इसी तरह से एक नई शुरुआत हम अपने जीवन में करने को जा रहे हैं, जो यात्रियों को अच्छा माहौल देने का काम करेगा। इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष सूरजपाल गुज्जर, ARM रामदास भी मौजूद रहे। बड़ौत रोडवेज डिपो के ARM रामदास ने जानकारी देते हुए बताया, हम 4 गाड़ियां हैं, जिसमें से 2 गाड़ी बड़ौत से बागपत, मेरठ, मेरठ से बरेली, शाहजहांपुर होते हुए लखनऊ जाएगी। एक गाड़ी बड़ौत से मेरठ, बनौली और मेरठ, मेरठ से बरेली, शाहजहांपुर, सीतापुर होते हुए लखनऊ पहुंचेगी। ये राजधानी एक्सप्रेस का बागपत से 846 रुपये है और बड़ौत 872 रुपये है। ये बताइए, बागपत से कितने लोग अप डाउन करते हैं लखनऊ में, एक औसतन बताइए। अभी तो ये नई गाड़ी चल रही है, नई गाड़ी चलाई गई है, अभी तक कोई गाड़ी नहीं चली है। अब तो पैसेंजर को देखना पड़ेगा, गाड़ी चलेगी तो इससे पता लगेगा। टाइमिंग क्या रहेगा? ये 17 बजे यहाँ से जाएगी और 17:30 बजे बागपत से चलेगी, इसमें मेरठ, मेरठ से।